अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। टुडे वी विल लर्न अबाउट द गोल्डन फिश। आइए प्यारे बच्चों जानते हैं द गोल्डन फिश के बारे में। लिसन केयरफुली एंड रीड विद मी। मल्हार वॉज अ फिशरमैन। ही लिव्ड विद हिज वाइफ इन अ लिटिल हट नियर द सी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फिशरमैन यानी माहीगीर मछेरा। अब देखिए इसके माने इस तरह से कि मल्हार एक माहीगीर था, वो अपनी बीवी के साथ समंदर के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। He went on to the sea every day to catch fish। वो रोजाना मछलियां पकड़ने के लिए जाया करता था। One day a strange thing happened। He caught a big golden fish in his net। When Malhar took the fish out of water, the fish began to speak। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए strange यानी अजीब और golden यानी सुनहरी और wife यानी बीवी और happened यानी वाक्य हुआ। तो देखिए प्यारे बच्चों let me go यानी मुझे छोड़ दो। जब वो मछली पकड़ने के लिए जाता है तो एक दिन अजीब वाक्य हुआ। उसने अपने जाल में एक सुनहरी मछली पकड़ी। जैसे ही मल्हार उसे पानी से बाहर लाया वो बोलने लगती है। तो क्या बोलती है? ओ फिशरमैन प्लीज लेट मी गो। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज। ही वॉज अ काइंड मैन। ही लेट द फिश गो। अब देखिए प्यारे बच्चों हैपन यानी वाक्य हुआ और वॉज सरप्राइज यानी हैरान हो गया और काइंड रहमदिल मेहरबान। अब यहाँ पर वो कह रही है ए माहीगीर मेहरबानी करके मुझे छोड़ दे। मल्हार को बहुत हैरत हुई। वो रहमदिल इंसान था। उसने वो मछली वापस पानी में छोड़ दी। मल्हार वेंट होम एम्प्टी हैंडेड। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द फिश। हिज वाइफ वॉज नॉट वेरी काइंड। तो प्यारे बच्चों जैसे काइंड यानी रहमदिल मेहरबान नहीं थी उसकी बीवी। मल्हार को बहुत हैरानी हुई। उसने जैसे वो मछली पानी में छोड़ दी उसके बाद वो खाली हाथ घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उस मछली के बारे में उसकी बीवी को जब उसने बताया तो उसकी बीवी रहमदिल नहीं थी। फूलिश मैन व्हाई डिड यू लेट द फिश गो। गो बैक टू द सी एंड कॉल द फिश। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश। आस्क द फिश टू ग्रैंड यू अ फिश। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फुलिश यानी बेवकूफ आदमी बोल रही है वो, और मैजिक फिश यानी जादुई मछली थी, और ग्रैंड यानी मंजूर करना पूरा करना। अब प्यारे बच्चों देखिए जैसे ही बीवी गुस्सा करती है उसके ऊपर कि अहमक आदमी तुमने उस मछली को क्यों जाने दिया समंदर पर, वापस जाओ और उस मछली को बुलाओ, और जादुई मछली होना चाहिए, मछली को तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहो। तो आइए प्यारे बच्चों देखते आगे कि वो मछली उसको मिलती है या नहीं मिलती है, उसकी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। आई वॉन्ट अ बिग हाउस विथ अ गार्डन फॉर My wife, go back home. Your wish is granted. Malhar went back home. In place of his little hut, he saw a big house with a garden. What a beautiful house, he said. अब प्यारे बच्चों देखिए grant ने मंजूर करना पूरा करना, तो यहाँ पर granted ने मंजूर किया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब इस तरह से होता है, मल्हार समंदर पर गया और उसने मछली को आवाज़ दी, ए मछली मेहरबानी करके मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। उस मछली ने नीले समंदर से अपना सर बाहर निकाला और उसने कहा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे अपनी बीवी के लिए एक बड़ा मकान चाहिए जिसमें बागीचा हो। जिसमें क्या हो? बागीचा हो। तो देखते हैं बागीचा यहाँ पर वो मिलता है क्या, बागीचा वाला घर उसको मल्हार को मिलता है क्या। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों उस मछली ने नीले समंदर से अपना सर बाहर निकाला, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा। उसने कहा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तो जैसे बोला कि मुझे घर चाहिए, वापस घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश मंजूर कर ली गई है।
फिर देखिए मल्हार घर वापस हुआ, उसने अपने छोटे से झोपड़ी की जगह बागीचा वाला एक बड़ा मकान दिखाई दिया और बोला कितना खूबसूरत मकान है।